नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। जय मां शेरावाली। भक्तों, आइए सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सवर्णी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूं, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न सर्विणा जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के अधिपति बने, वह कथा सुनिए। प्राचीन काल में स्वारोचिष मनवंतर के चैतवंशी राजा सुरथ समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा को अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सुरथ की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सुरथ से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना होने से यवन राजाओं ने सुरथ को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में आकर राज्य करने लगे, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सुरथ पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सेना तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सुरथ हार कर अकेले ही घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां महर्षि मेघा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह इत्यादि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेघा को राजा सुरथ ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता में विचरने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे चला गया। विदुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था, सो नष्ट हो गया होगा। इसी प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा, तो राजा ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोकयुक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सुरथ की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सुरथ से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ में घर से निकाल दिया है, मेरा धन छीन लिया और मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री बंधुओं का कुछ पता नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या व्याभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया है, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे वास्तव में सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूँ, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। क्या करूँ, इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडेय ऋषि बोले, द्विश्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सुरथ और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेघा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठकर मेधा ऋषि के साथ कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताओ। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मन दुखित है। गए हुए राजे तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझ में अभी तक बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी मेरा स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है, और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया है तथा इसके घर से बाहर निकाल दिया है, यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूर्ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, समस्त तंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी अलग अलग होते हैं। कोई दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते, और कोई दिन रात्रि में बराबर देखते हैं। पुरुष ज्ञान युक्त है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल
उनमें ही नहीं सभी पशु पक्षी मृग आदि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसा मनुष्यों में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि भी आहार विहार निद्रा मैथुन आदि की इच्छा भांति भूख होने पर भी ममतावश अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुगी देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों से इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण इस इच्छा से करते हैं कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब हमारा पालन पोषण भी करेंगे। क्या यह तुम नहीं देखते कि पुत्र आदि इनका भरण पोषण न भी करे तो भी माता पिता करते हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव स्वरूप उत्पत्ति इत्यादि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ, सो आप सभी वृतांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। वह भगवती देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न होती है और अजन्मा उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधुवर कैटव नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आता देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नतार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगत माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूप अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, तुम स्वतः अर्थात देवताओं को पालने वाली हो, तुम स्वदा हो, तुम वशटकार स्वर हो, अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में स्वर तुम ही हो तथा नित्य आदि मात्रा भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री और संसार की जननी हो और हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न पालन और संहार करने वाली आप ही हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोहा, महादेवी, महासूरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्य रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही काल रात्रि, प्रलय स्वरूपा महारात्रि तथा दारुण मोह रात्रि हो। आप खड़क, शूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भुशुंडी, परिधि आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर और अपराधों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो। जो इस विश्व की रचना पालन और संहार करते हैं उन भगवान विष्णु को आपने अपने निद्रा वश कर लिया है। फिर भला बताइए, और कौन आपके प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। मधु और कैटव नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत को जगाइए। इन दोनों महासुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटव असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन मुख, नाक, भुज, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जाग गए। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीर्यवान मधु और कैटव असुरों को देखा, ब्रह्मा जी को खाने के लिए जिनकी आंखें लाल हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठ उन असुरों से 5000 वर्ष बाहु युद्ध किया। अति बलशाली महाउन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान उनसे यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। ऋषि मेधा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख, चक्र, गदा धारण किए और उससे तथास्तु कहे दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए।
इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई है। राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। अगले भाग में आप दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय को जानेंगे। जय माँ शेरावाली। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।